करते हैं, मार्केट में चार आना भी वापस आने वाला नहीं, नहीं है। मार्केट से लाखों का सामान हम ले लें, क्या एक रुपया वापस मिलने वाला है क्या? नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर मिलेगा तो वही दीपावली में एक कैलेंडर और एक लड्डू दे देगा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं है। आगे यहाँ पर रॉयल्टी जैसे इनकम आता है, 8% रॉयल्टी आता है और 5% टेक्निकल, टोटल 45% पैसा देता है। यहाँ पर कैरियर का निर्माण होता है, लेकिन मार्केट में करोड़ों का हम सामान खरीद ले, कोई कैरियर बनने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा बेनिफिट अगर फ्री में मिले बिना पैसा लगाए हुए, काम तो करना ही है, सामान खरीदना हमारा मजबूरी है, कहीं ना कहीं से तो लेंगे ही। लेकिन एक तरफ कहीं कुछ भी नहीं मिले और दूसरे तरफ इतना सारा बेनिफिट हो तो सामान कहाँ से खरीदना चाहिए? सामान कहाँ से खरीदना चाहिए? आरसीएम से खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आता, क्यों नहीं आता? फिर भी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आता है, और इसके पीछे कारण ये है कि जिस रास्ते से हम लोग पुश्त दर पुश्त से गुजरते आए हैं, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, और वो युग ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके आज तक कोई सक्सेस आदमी आज तक नहीं बना। चूंकि हमारे पिताजी अगर किसान थे, हमारे पिताजी अगर नौकरी में थे, हमारे पिताजी अगर बिजनेस में थे, तो वो सक्सेस नहीं बन चुके हैं, अपना घर परिवार सिर्फ चला सके हैं, अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। और अमीरी का फॉर्मूला है कि अमीर अगर आपको बनना है तो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करते हुए एक्स्ट्रा कुछ काम आपको करना पड़ेगा, जो काम आपको अमीरी की ओर ले चलेगा। और मार्केट में पैसा अगर कहीं है तो वो मार्केट में है, और मार्केट को जब तक आप अपने अंदर में नहीं रख सकते हैं तब तक आप यहाँ से अमीर किसी कीमत पर नहीं बन सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, आप मार्केट को के टर्नओवर को अपने अंदर में यहाँ पर ले सकते हैं, ये बहुत सारा बेनिफिट है यहाँ पर। आप सभी को धन्यवाद सम्मान करने के लिए जनता करके बात करना चाहिए। आई लाइक प्रमोद चौरसिया सर। सभी लोग अगर प्रयास करके शुरू करेंगे तो एक दिन वो समय आएगा जिस दिन समस्तीपुर का बड़ा से बड़ा हॉल भी छोटा पड़ जाएगा। जरूरत है कि कमिटमेंट के साथ और जोश जुनून के साथ हम लोग को लग जा रहा है इस बिजनेस में। आज बहुत बेहतरीन बिजनेस आज का मीटिंग रहा। हम चाहेंगे सभी लोग एक बार सर के लिए जोरदार ताली और शब्दों के साथ आज का मीटिंग को समापन की ओर ले जाएंगे। जितने भी लोग जो भी टारगेट किए हैं, भगवान आप लोग को वो शक्ति दे, उस टारगेट को आप पीछे छोड़ करके आगे निकल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की सभा को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। जय श्री जय। The lady.